तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो केवल और केवल वोट लेना जानती हैं और उसके बाद जो नागरिक जो रेड़ी वाले हैं जो ईमानदार हमारा साथ देते हैं समाज की सेवा करते हैं उनको भूल जाती है। तो आज की ये जो महत्वपूर्ण घोषणा है ये दर्शाती है कैसे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास जीत कर हम दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। हजारों हजार रेड़ी पटरी वाले जो हैं वो मेहनत से ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी अर्जित करते हैं, उनकी कुछ मांगे रही हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है। यहां श्री बब्बर जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी बड़ी मजबूती से ये मुद्दा हर फोरम पे उठाया है। तो आज 8 लाख जो रेडी वाले हैं हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, वो हमारे गौरव का प्रतीक है और उनकी एक मांग रही है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। उसका संज्ञान लेते हुए आज हम ये कह रहे हैं यहां पे बड़ी जिम्मेदारी से, ये जो 8 लाख हमारे भाई बहन हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं ये इनका हक बनता है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। एक तरफ रेड़ी वालों का सम्मान है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी रेवड़ी वाले हैं। ये जो भ्रष्टाचारी रेवड़ी वाले हैं इनको जो रेड़ी पटरी वाले लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत नहीं दिखाई देगी और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी प्रतिबद्ध है 8 लाख रेड़ी वालों को रेगुलराइज किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इसकी बात करी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी स्वयं चाहते हैं कि दिल्ली में इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाया जाए। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, रेड़ी पटरी वालों का दर्द समझकर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है और ये राशि जो दी जा रही है ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हों और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।